हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे जीनी के 23rd लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वुडन स्लीपर के बारे में। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्लीपर क्या होता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, कितने प्रकार के जो हमारे स्लीपर्स होते हैं। अगर वो लेक्चर आपने मिस कर दिया है तो उस लेक्चर को भी आप जरूर देखिए, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस लेक्चर में हम उस स्लीपर के ही एक टाइप वुडन स्लीपर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं वुडन स्लीपर्स के बारे में। वुडन स्लीपर्स, सबसे पहले हम वुडन स्लीपर्स की इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। दीज स्लीपर्स फुलफिल ऑल दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल स्लीपर। एक आइडियल स्लीपर और गुड स्लीपर की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सभी को वुडन स्लीपर जो है फुलफिल करता है। इट इज़ दी ओनली मोस्ट सुटेबल स्लीपर फॉर ट्रैक सर्किटिंग। जो ट्रैक सर्किटिंग होता है वो एक डिवाइस होता है जो कि हमें डिटेक्ट करके बताता है कि पर्टिकुलर ट्रैक पर जहाँ पर इसे लगाया गया है वहाँ पर अभी ट्रेन अवेलेबल है या नहीं है। जी ज़्यादातर ट्रेन को जो है ट्रेस करने के लिए यूज़ होता है रेलवे हेडक्वार्टर में, और साथ ही साथ जो ट्रैक के साथ में सिग्नल लगे होते हैं, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, उन सभी को भी ये ट्रैक सर्किटिंग ही मैनेज करता है। ये डिटेक्ट करता है एक पर्टिकुलर ट्रैक पर ट्रेन को, अगर वहाँ पर ट्रेन होगी तो ये रेड सिग्नल दिखाएगा, अदरवाइज ग्रीन सिग्नल दिखाएगा, ऐसा इसका एल्गोरिदम होता है। इस ट्रैक सर्किटिंग डिवाइस के लिए जो हमारे वुडन स्लीपर होते हैं वो मोस्ट सुटेबल होते हैं। टिम्बर्स कॉमनली यूज्ड इन इंडिया फॉर वुडन स्लीपर्स आर साल, टीक, देवदार एंड चीर वुड। जो साल, टीक, देवदार और चीर वुड हैं ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं टिम्बर हमारे वुडन स्लीपर बनाने के लिए। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड साइज़। हमारे जो इंडियन रेलवे में स्लीपर यूज़ होते हैं उसके स्टैंडर्ड साइज़ कुछ इस प्रकार हैं। जैसे ब्रॉड गोज के लिए जे स्टैंडर्ड साइज़ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मीटर गोज के लिए जे स्टैंडर्ड साइज़ है, नैरो गोज के लिए जे स्टैंडर्ड साइज़ है। इसमें से सबसे फर्स्ट जो डिमेंशन है वो है स्लीपर की लेंथ, सेकंड जो है वो है विड्थ। जैसे जे हमारा स्लीपर का जो साइड व्यू दिखाई दे रहा है, इसकी जो जे वाली लेंथ है विड्थ, जे सेकंड वाली डिमेंशन होती है। लास्ट डिमेंशन होती है स्लीपर की हाइट या फिर थिकनेस। ये सभी डिमेंशन जो है MM है, आप इन्हें अच्छे से रीड कर सकते हो, एग्जामिनेशन में भी आप इसको लिख सकते हो, इसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। अभी इसकी एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ईजिली अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में जो वुडन टिम्बर वुडन स्लीपर्स होते हैं जो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ब्लास्ट। हर तरह के ब्लास्ट के लिए जो स्लीपर सूटेबल होते हैं, जैसे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि ब्लास्ट हमारे कितने टाइप के होते हैं। ब्लास्ट एक्चुअली जहाँ पर आप जो बजरी देख पा रहे हो या जो कंकर देख पा रहे हो, इसे ही हम ब्लास्ट कहते हैं। रिक्वायर्स लेस फास्टनिंग। इसमें लेस फास्टनिंग की जरूरत पड़ती है। फास्टनिंग और फिक्सिंग होता है एक पर्टिकुलर स्लीपर के ऊपर, जब हम ट्रेन को जो है फिक्स करते हैं तो यहाँ पर फास्टनिंग और फिक्सिंग यूज़ होती है, उसकी हमें जो है इस वुडन स्लीपर के लिए कम ज़रूरत पड़ती है। प्रोड्यूस लेस नॉइस। इस पर जो है जब ट्रेन गुजरती है तो ये लेस नॉइस प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्लीपर्स। एब्सॉर्ब मोर शॉक्स एंड वाइब्रेशन। हमारी जो ट्रेन है वो वाइब्रेशन और शॉक जो है प्रोड्यूस करती है जब एक पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर से गुजरती है, लेकिन जो हमारे वुडन स्लीपर होते हैं ये सबसे ज़्यादा शोक और वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब करते हैं। सुटेबल फॉर ट्रैक सर्किटिंग। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि ट्रैक सर्किटिंग के लिए ये स्लीपर्स जो हैं बेस्ट है, सुटेबल हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। शॉर्ट लाइफ ऑफ स्लीपर्स, 8 to 10 years। इसकी जो लाइफ स्पैन होता है, इसकी लाइफ होती है वो 8 से 10 साल की ही होती है। डिफ़िकल्ट टू मेंटेन प्रॉपर गोज। इस पर जो है प्रॉपर गोज मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसका जो वेट भी कम होता है जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी भी कम होती है। इजली अटैक बाय वाइट एंट्स। जे इजली जो है इस पर जो है वाइट एंट्स अटैक कर देती हैं। वाइट एंट्स का मीन्स होता है कि स्योंक इसके ऊपर जल्दी से जो है अटैक कर देती है, जिसकी वजह से ये ख़राब होने लगते हैं। ईजली डिस्टर्ब्ड। स्टेबिलिटी कम होने की वजह से ये ईजली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, जाने कि जहाँ पर अगर ज़्यादा फोर्स या लोड लग जाता है ट्रेन का तो इसकी वजह से इसमें जो है खराबी आ जाती है, जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसकी अलाइनमेंट पोजीशन बिगड़ जाती है। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट।
इसमें जो मेंटेनेंस की कॉस्ट काफ़ी हाई रहती है, अगर कोई भी इसमें खराबी आएगी उसे रिपेयर करने में हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लगेगी। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो या फिर लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप उसे देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। रेलवे इंजीनियरिंग के सभी लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टील स्लीपर्स के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए और साथ ही साथ और भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।